परम सत्कार योग, जमहूरियत बहाल कॉन्फ्रेंस ते आए सत्कार योग अहुदेदार साहिबान, वख वख पार्टी संस्थावां तों वख वख नुमाइंदे, आप जी दे इत्थे पहुंचण ते जी आया नूं आखदे हैं, आस रखदे हैं कि आप जी नूं जिहड़ा पंथ दा दर्द है वह महसूस हुंदियां आप जी नूं अपना इतिहास भाई खालसा वाहिगुरू फतह अपना इतिहास अपना गुरसिखी च जमहूरियत पसंद भावना और अपने गुरु घरां दे विच जिहड़ी जमहूरियत खत्म हुई हुई है उहदी खिच अज आप जीआं नूं उरे लैके आई है। साध संगत जी, जद भगत कबीर जी ने, भगत रविदास महाराज ने गुरु साहब नाल टेक ला के, वाहिगुरू नाल टेक ला के मनुखता दे हालात देख के एक सोच संगत दे विच प्रगटाई जिहड़ी मनुखता नूं जात पात चों कढ के जिसने मनुख नूं एक पद्धर ते रब दे नाल जोड़िया, वखरेवें हटाए, वह इन्नी तिखी पकड़ साडे भगत रविदास महाराज भगत कबीर जी दी संगत दे विच आ गई कि जेडे पुराण जेडे मनुस्मृति दे आदेश सीगे जेदे विच जात पात दा वखरेवा पा के मनु ने एहो जी वंड पाई सी कि किसे भी मनुख नूं जात पात दे शिकंजे चों निकलन नहीं सी दिंदे, खास करके जिन्हों शुद्र ते उस तो भी ज़्यादा जिन्हों किसे वर्ण च ही नहीं समझते सीगे उन्हां नाल इन्ना माड़ा सूख हुंदा सीगा, सिर्फ ते सिर्फ ज्ञान शास्त्रां दा ओ उच्च जाति दे बामणां दे हथ च हुंदा सी जिन्हां ने संस्कृत दी पढ़ाई करके वो ज्ञान अपने विच रखना और कानून इहो जे बनाए हुए कि जे कोई शुद्र सिखे संस्कृत, जे कोई बोले, जे कोई उन्हां वल तके भी, जे किसे ब्राह्मण दे मन च यह भी आ जाए कि मेरे को वल इन्हां ने माड़ी अख नाल सोच नाल देखिया तां उसदा हक हुंदा सीगा स्मृति अधीन कि उहदी जीभ वढ सकदा सी, उहनूं हरेक तरीके दा तसीहा दे सकदा सीगा। पंडतां नूं हक सीगा कि जिहड़ियां साडियां बीबियां ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ, ਸ਼ੂਦਰ ਨਾਲ, ਮਲੇਸ਼ ਨਾਲ, ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਧੀਨ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਤੰਗ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸੀਹਾ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਰਸਾਇਆ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਟ ਵਾਂਗੂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮੇਲ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਚਮਿਆਰ ਜਾਤ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ
भगत कबीर जी जिहड़े किसी होर धर्म तो आउंदे सीगे उहनां दे मगर जद संगत खड़ी हो गई तां पंडतां नूं भी सियाणना पिया कि वाकई ये महापुरश है, इन्हां च ज्ञान है। और पंडतां नूं भी भगत रविदास ते भगत कबीर जी दे मगर तुरना पिया। ये जिथे एक साडे भगतां दी बहुत वड्डी सोच है, उन्हां दी देण है, उत्थे संगत दी भी देण है कि उन्हां ने भगतां दे मगर खड़ के ओ सोच नूं झुकाया, उन्हां ने भगतां दे मगर लाया, क्योंकि संगत दी ताकत ते बरखिलाफ ओ बामणवाद भी डरदा सीगा, ओ भी उहदे सामने झुकदा सीगा कि जिहड़े भगत जिहड़े गुरु संगत दे बने हुए हैं उन्हां दे बरखिलाफ असी तुर नहीं सकते हैगे, सानू उत्थे झुकना पैना, बोलना पैना हैगा। साध संगत जी, यही फलसफा, यही सोच गुरु ग्रंथ साहब जी जिथे बसदी है, यही सोच गुरु नानक साहब ने अपनाई। जे उन्होंने जनेऊ पहन तो मना किया, जे उन्होंने काली बैं तो आके अपना प्रचार शुरू किया, कीर्तन दरबार उन्होंने रखे, उन्होंने संगत को एक अटूट हिस्सा वो रब दे मेल नाल बनाता, जिस तहत संगत को उन्होंने उदासियां ते जा जा के अपने सिखी सोच नाल जोड़ के एक एहोजा संस्था खड़ी करती, एक एहोजा गुरु घर खड़ा किया जिहदे विच संगत गुरु तो वांझी नहीं सी। जिहड़ी समृतियां दी सोच, जिहड़ी शास्त्रां दी सोच, वेदां दी सोच सीगी, ओह लुकोई होई संस्कृत उच्च भाषा दे विच बहुत किसे नूं विवेकदान पंडतां ने नहीं देना, जात पात दे आधार ते बख्शना। पर जिहड़ी दूसरी गुरगद्दी सीगी उन्हां ने एक इहोजा जमहूरत पसंद कम करता जिहदे विच आम संगत नूं आम बोली ते भाषा पंजाबी गुरु की मुखी गुरु अंगद साहब महाराज ने सानू लिपी बख्शती, जिहदे नाल साडे आम सधारण व्यक्ति किसी भी जात पात दा ओ पोथियां नूं ओ ज्ञान नूं अपने नाल जोड़ सकदा सी जिहड़ा चाहवन सी। साडे दरम्यान साडे प्रधान सर सिमरनजीत सिंह मान अज हुण शामिल हो गए हैं, उहनां दे आए ते आपां इक जकारा छड्डदे हैं, बोले सोनिहाल। प्रधान साहब दे नाल जिहड़े बाकी सिंह ने वो कृपा करके अपना स्थान लैण, ते प्रधान साहब जी स्टेज ते आ गए ने। हाँ जी, सो साध संगत जी, जो दूजी पातशाही गुरु अंगद साहब महाराज ने सानू विवेकदान गुरमुखी दी लिपी, सानू अपनी सेहत रखण वास्ते अखाड़ियां चे घोल लड़न वास्ते माता खीवी जी दे लंगर जिहदे विच जात पात खत्म करके एक संगत नू इन्ना कुछ दिता कि वह संगत प्यार भरी लगातार गुरु साहिबाना दे नाल हरेक गुरगद्दी दे नाल जुड़दी वधदी आई। गुरु अमरदास साहब महाराज ने जो साडे गोविंदाल साहब च बौली दे इशनान कहे, साडे पिंडियां च कोई फर्क नहीं दिखाया। गुरु
रामदास साहब महाराज ने यह धरती दे उत्ते सरोवर जिहड़ा सानू दिता, जिहड़ा असी उरे अमृतसर दे विच उरे कट्ठे होए हैं, उहदे विच संगत नू खुल ते आजादी ये चीज़ां तों मिली। और साध संगत जी, जे बिपता आई साढ़े ते, जे गुरु अर्जन साहब महाराज नू लाहौर की धरती ते तसीहे ते तशद्दतां नाल मारिया गया, ता छेवें पातशाह ने मीरी पेरी जिहड़ी सानू बख्शी उहदे विच संगत डट के मगर खड़ी, गुरु साहब दीआं फौजां खड़ियां कीतियां, संगत ने गुरु नाल लग के एक जंगो जहद करके अपने मनुखी अधिकारां दे उत्ते पहरा देना शुरू कीता। साध संगत जी, ये संगत ते गुरु दा मेल जो अटूट चलदा आया हैगा, वो तुसी देखो जद कीरतपुर साहब जाके गुरु हरगोबिंद पातशाह साहब बसनीक होए, उत्थे अकाल तख्त स्थापित किते, उत्थे भी अगे जाके उत्थे जाके भी साडे गुरु हर राय साहब ने जेड़ा वातावरण वास्ते काम किया, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने दिल्ली जाके जेड़ा सानू जेड़े मुसीबत चां जिन्हां नू बीमारी आई हुई है ओदे पक्ष च उन्होंने सेवावां दिंदे हुए ज्योति जोत होए, ते नौवें पिता ने जम्मू तो आए हिंदुओं दा पक्ष च वह लाल किले ते अपना सीस भी गवाता पर हक्कां ते पहरा दिता, ते दसम पिता ने वह खालसाई सोच सानू बख्श के जिस दीन सरबंस दान भी किया, साढ़े पांच प्यारियों चो भी शहीद होए, और संगत जे मुड़ भी गई तां भी चाली मुक्त सानू मुक्तसर की धरती ते वापस उस संगत च जुड़ के अखीर तक उन्होंने अपनी शहादतां दित्तियां। यही संगत दे विच दमदमा साहब आराम कीते, उदासियां कीतियां, ते फिर उही संगत ने बाबा बंदा सिंह बहादुर राही इट नाल इट खड़का के जिमीदारां नू हक दिते फतेहगढ़ साहब की धरती दे उत्ते, जिन्हां ने नानक साहब का सिक्का चलाया, खालिस्तान स्थापित किया। साध संगत जी, ये जिहड़ी संगत ते गुरु का मेल अटूट चलता आया हैगा, जिहदे विच संगत खत्म हो गई बाबा बंदा सिंह बहादुर के मगरों, उदासी निर्मले संस्थावां ने गुरु साहब की संभाल की, और टामे टामे सिखां ने जंगलों चो वधदे वधदे सार भगेल सिंह वर्गे मिसलदारा ने जाके दिल्ली फतेह करके साडे गुरु घर वसाए हैगे। ये भी वह 30,000 संगत सी जिहड़ी गुरु नाल जुड़ी हुई सी, उस संगत नू हरेक जिहड़ा जथेदार है ओ संगत नू सब तो मूहरे रखता हैगा, संगत की मानता बहुत वड्डी है। साध संगत जी, जिहड़ी सिक्खी की आम कहावत है कि संगत 21 विसवे गुरु 20 विसवे, आ इतिहास नू मुख रखदिआं संगत नू एडा वड्डा खिताब असी दिंदे हैगे हैं, और इस संगत के अधीन गुरु साहब अपनी थां मन्नदे हैगे हैं, संगत च रहिंदे हैं, संगत दे विच उन्होंने अपनी हरेक कार्यकारी करनी हैगी है। सो साध संगत जी, ये जिहड़ा गुरु साहिबाना तो बाद जिहड़ा मसंद सिस्टम शुरू होया, जिहड़ियां मंजियां शुरू होईयां, इन्होंने देख रेख की, ये भी कुरतबुद्ध हो गए, और जद उरे अंग्रेजां दा राज आया उस समय ते जिहड़े महंतां दा उरे चलदा सीगा, वो महंता ने जो कुड़ैतियां कीतियां वो कुड़ैतियां नू संगत ने नहीं बर्दाश्त किया, किथे ननकाणा साहब पांच पांच सिंह सिंह सभा लहर च बिल्कुल जाप करते हुए गुरद्वारा साहब जाण जिथों गोलियां चलन शहादतां देनियां पईयां, सारे मोर्चियां दे विच एडी ज़्यादा शहादत दित्ती, जिस दा नतीजा रहा कि असी अपने सिंह सभा लहर राही अपने गुरु घरां नू आजाद किया, ते चाबियां दा मोर्चा श्री साहब दी नोक ते आपां जित के अपने संगत नू गुरु नाल फिर मेल कराया, गुरु घर दी देख रेख वास्ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी खून बहा के जिहड़ियां मोर्चियां नू देख के गांधी वर्गे भी आके ननकाणा साहब देख के गए,
ते कहिंदे सीगे कि जिस रूप च सिखां ने ये अपने हक लिते हैं, ये इस देश की आजादी का पहली लड़ाई उसनू मानते होंदे सीगे। साध संगत जी, ये सिंह सभा लहर ने कले गुरु घर आजाद नहीं किते, इस सिंह सभा लहर ने संगत ते गुरु का मेल मुड़ के बहाल भी किया, जिहड़ा उस समय का नवे तौर तरीके अपने डेमोक्रेसी दे सिगे, जिहड़े नवे तौर तरीके वोटां दे सिगे। एशिया की सब तो पहली जिहड़ी जमहूरियत संस्था सी, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਡਰਨ ਢੰਗ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸ SGPC ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1947 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਚੋਣ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 17 ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਹੋਏ ਹੈ, 17 ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਹ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਗਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਹ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਰਸਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਅਤੇ ਭੰਗ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਤੱਕ 8 ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 8 ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 23 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 10 ਸਾਲ 11 ਸਾਲ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ SGPC ਦੇ ਚੋਣ ਕਦੋਂ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਲਈ। 2007 'ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ 15 ਸਪਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਿਦ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਐਂਡ ਅਪਹੋਲਡਿੰਗ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਡੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ 15 ਸਪਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਇਨ ਏਲੀਅਨਬਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਨਏਲੀਏਬਲ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਆਫ ਦਾ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਫੋਰਮਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਰਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਰੀਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਏਲੀਅਨਬਲ ਰਾਈਟ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕੇਸਵ ਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦ ਕੋਨਸੈਪਟ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਐਜ ਵਿਜੂਲਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਸਪੋਜ਼ਸ ਦ ਰੈਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਇਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਲੈਚਰਸ ਬਾਈ ਦ ਮੈਥਡ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 23 ਸਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਭਿਆਨਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅੱਜ ਉਰੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉਰੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਧਿਰਾਂ, ਦੋ ਸੋਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਿੜ ਕੇ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਕਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗਲ ਰਾਜ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੱਠ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਮਤਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਜਦ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਦੋ ਧਿੜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਾਰ ਵੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਵੋਟ ਪੈ ਜੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਡਾਂਗ ਚੰਗੜ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਮਤ ਇਹਦੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਤਦਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਤਦਾਨ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 11-11 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਰੇ ਛਾਪੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਆਡਿਟ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਐਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
कि साडा अज धर्म प्रचार भी बंद होया होया है, साडे धर्म प्रचार किते नहीं हो रहे हैगे, सगो पीटीसी चैनल वर्गे ओ अपने मशहूरियां करदे फिरदे हैं, पर गुरु का प्रचार नहीं हुंदा, सगो गुरु की बाणी दे उत्ते उन्होंने अपनी एडवरटाइजमेंट की रेवन्यू बनानी है, कीर्तन दरबार से उन्होंने एडवरटाइजमेंट की रेवन्यू बनानी हैगी है। इस तरह वह गुरु घर जिवें महंत वरतदे हुंदे सी उत्थे अपने धन ते दौलत कट्ठे करने हैगे हैं। ये साडे हालात अज इस अपने एस जी पी सी दे बने हुए हैं कि साडा कोई भी हिसाब किताब लेखा जोखा साडी कोई भी किसी तरह की जिहड़ी अपने गुरु घर की मैनेजमेंट है उस संगत नू जवाब दे है ही नहीं। साध संगत जी इलैक्शन तो वांझे करके लॉ एंड ऑर्डर दे प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि लोग अके हुए अपने हकां दे उत्ते डांग नाल पहरा देण दी सोचते हैगे हैं, इलैक्शन ना होण करके आपस च मतभेद वधदे हैगे हैं, इलैक्शन ना होण करके जिहड़ी बाहरली सोच जिहड़ी संगत तो वांझी है वह साडे उत्ते थोपी जांदी है। मैं समझदा अज जिहड़ा साडे दे विच सब तो वड्डी काट आई है वह ये है कि साडा जिहड़ा एका डेमोक्रेसी ते इलैक्शन राही बन सकता हैगा वो बिल्कुल खुरद बुरद होया। इसी करके असी अज बिना किसी दे नाल मतभेद रखिया हरेक नू सदे दिते हैं कि आपां कौमी तौर ते एक चीज़ ते पैरा दे दिए जो कि साडी जमहूरीयत है। इहदे उत्ते किसी भी संस्था किसी भी गुरु के सिख नू कोई ऑब्जैक्शन नहीं होना चाहिदा कि आपां अपनी जमहूरीयत बहाल कर सकदीए। असी जिथे जमहूरीयत दे पक्ष च सिंह सभा लहर राही लड़ाइयां कीतियां अज सारे विश्व च यूनाइटेड नेशन भी कहिंदा है कि व इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया जाना चाहिए जिहदे विच डेमोक्रेसी दियां वैल्यूज डेमोक्रेसी दियां मंगां वो हरेक अपनियां रख सके। सो साध संगत जी इसी करके असी सदे जाके अकाल तख्त साहब ते भी कल दे के आए, इसी करके असी वकीलों नूं मिले, इसी करके असी वो विद्वानों नूं जिन्हां ने आ बहुत वधिया साडियां कमेंट्रियां डॉक्टर कश्मीर सिंह वर्गियां ने एस जी पी सी एक्ट के उत्ते लिखियां उन्हां नूं भी बेनतियां करके आए हैं। और साडी इच्छा ये है कि आम संगत इस हक नूं सियाण के आम संगत जिहड़ी गुरु साहब नाल प्यार करदी है जिहड़ी गुरु साहब नूं अपना मन के अपने नाल रखना चाहीदी है चाहुंदी है जिहड़ी गुरु साहब नूं किसे होर वांझियां दे हथ च जिहड़े किते 328 सरूप खंडा देण किते साडे गंदियां नालियां च बरगाणियां च गुरु साहब दे अंग पाड़ के सुट देण उन्हां तों खो के असी अपने गुरु नूं अपने नाल अपनी संगत नाल जोड़िए। इस संगत नूं असी प्रचार करना, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा कि तुसी किहड़े धिर नालों किहड़े संपर्दा नालों किहड़ी सोच नालों। असी अज सांझे तौर ते अज अपील करनी है हरेक जिहड़ा गुरु साहब नाल प्रेम करदा है जिहड़े अपने गुरुआं नाल अपना दर्द रखदा है कि तुसी अपनी जमहूरीयत बहाल करन वास्ते उपराले करो। आपां ने 15 सितंबर नूं सांझे तौर ते हरिमंदर साहब दे सामने कट्ठ रखिया। 15 सितंबर नूं सारा विश्व कहिंदा है कि वर्ल्ड इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे हैगा, असी भी अपने गुरु घर दे सामने जाके अपने हक ते पैरा देईए, अपने मुढ़ले राइट दे उत्ते पैरा देईए, अपने गुरु साहब दे नाल आपां मेल मुरके करिए। इस करके अज दी कॉन्फ्रेंस अज दे वख-वख बुलारे अज उरे एक प्रेम का सद्दा है। प्रेम किसका है? प्रेम अपने गुरु का है, अपने गुरु नूं आजाद करना है जिहड़े शिकंजियां च फसे होए हैं, जिन्हां हालातां च बस रहे हैं, जिहड़ियां उन्हां दियां सरूप चक के किते खुरदबर कीते जा रहे हैं। वो सारी संभाल किहदी है? थोड़ी है, मेरी है। ते गुरु साडे बिना कुछ भी नहीं मानता हैगा। थानू 21 विसवे का थानू खिताब दिता, अपने आप नू 20 विसवे दे दायरे च रखिया हैगा। वो एहो जिहा गुरु जे आपां अज बिना चोणां तों बिना अपने संगत की संभाल नाल उहनू उवेसला रख दीए
फिर आप जिन्या मर्जिया लड़ाइया लड़निया है एक दूजे के उत्ते जेड़े दूषण लाने हैं एक दूजे नू जिन्ना माड़ा कहना है तू तू मैं करके गलती जेदी मर्जी कढ़नी है पर गलती केदी है ये गुरु की संगत की क्योंकि गुरु ने तो सब कुछ देता सरबंस दान करता उन्हें हरेक चीज सहली सब कुछ करके भी थानू इक्की बिस्वे क्या है और सिंगो सिंगड़ियों संभालो आप दे गुरु नू आप 15 सितंबर नू आपने एहोजा कठ करना है साढ़े बार लिया जथेबंदी भी उरे आईया हुई है यूनाइटेड नेशन दे सामने सिख कट्ठे होंगे कहेंगे कि साड़ी जमहूरियत बहाल करो असी जाके दिल्ली चे मुजहरे करांगे कि साड़ी जमहूरियत बहाल होनी चाहिए है असी अमृतसर साहब चे अपने हरी के मंदिर ते प्यार नाल कट्ठे होके असी अपने गुरु नू भरोसा दवावांगे कि गुरु साहब असी भुले नहीं थानू असी थोड़े नाल जुड़े हैं असी अपनी जमहूरियत संस्था जेड़े साढ़े पुरातन सिंघा ने सिंह सभा लहर ने इन्नी सीए शहादत सह के सानू दिती है उन्हूं मुड़ के अपने हत्थां च लवांगे एक वधिया ते बेहतर सिस्टम तैयार करांगे असी अपने गुरु नूं कल्ला कदी नहीं छड़ना हैगा कदी नहीं असी उन्हां तों वांझे हो सकदे सो अज दी जिहड़ी कॉन्फ्रेंस है वह जमहूरियत बहाल कॉन्फ्रेंस ते जिहड़े जिहड़े आए हैं ये अपना मिशन बना लिओ कि 15 तरीक नूं आपां ने इहो जिहा प्यार भरा सद्दा अपने गुरु साहब प्रति भेजना हैगा संगत नूं कि संगत तरसदी अपनी जमहूरियत नूं अपने गुरु नाल जुड़न वास्ते ऐ हरी के मंदिर आवे कि वाकई गुरु नूं भी भरोसा होए एक किसी चीज दे लायक है इन्हां च मतभेद नहीं ये मेरे नाल है ये साड़ी अज दे कॉन्फ्रेंस का मतलब है ये साड़ा फर्ज है सो अज जिहड़े आपां कतरत होए हैं मैं बेनती करदा कि वह इस विषय के उत्ते जरूर अपने विचार रखन साडे विच आपस च बहुत मतभेद है आपां एक दूजे नूं माड़ा बहुत कह सकते हैं आपां एक दूजे दे प्रोग्रामां च नहीं जा सकते हैगे किसी दा कुछ नुक्स है किसी दा कुछ नुक्स है पर साडे गुरु च कोई नुक्स नहीं हैगा अपने गुरु च जे नुक्स नहीं हैगा फिर आपां उहदे नां ते एक बारी 15 सितंबर नूं जरूर कट्ठे होइए जरूर उहनूं भरोसा दवाईए ते अपने च ये मन च रखिए कि आपने गुरु के पक्ष की गल जमहूरियत की करनी हो करनी है सो अज दी जिहड़ी समागम है शुरू है मैं प्रोफेसर महिंद्रपाल सिंह जी नूं बेनती करदा कि आके वो स्टेज संभालन और जिहड़ा प्रोग्राम अगे तुरन ये बेनतियां करदा आग्ञा मंगदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।